नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको 44 ब्रेस्ट के हिसाब से आर्मोल और शोल्डर की कटिंग के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आए हैं जिनका मुझे जवाब देना था कि जो हैवी साइज होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, उनकी कटिंग के बारे में बताया जाए, उनके शोल्डर और आर्मोल की कटिंग के बारे में बताया जाए। तो मैंने यहाँ पे एक आपको कागज़ का जो ये हमारा चार्ट होगा, इसके ऊपर मैं आपको कटिंग करके बताऊँगा। सबसे पहले मैं नाप बताऊँगा आपको, नाप जान लेते हैं। जो हमने लेंथ आपने जो भी रखनी हो अपने अकॉर्डिंग रखनी है, जो ब्रेस्ट का नाप मैंने लिया है यहाँ पे वो 44 इंच होगा, और जो वेस्ट होगी वो 40 होगी, और जो हिप का साइज होगा वो 48 होगा। तो इनके अकॉर्डिंग हम कटिंग करके बताएंगे। इसमें मैंने गले के दो नाप लिए हैं, एक फ्रंट का गला 8 इंच है और बैक का गला हमारा 9 इंच है, और साइज यही रहेगा। एक दूसरा मैं आपको समझाना चाहूँगा, फ्रंट का गला 8 इंच है और बैक का गला 8 इंच है। तो ये सिर्फ गले के अकॉर्डिंग ही शोल्डर और आर्मोल में डिफरेंस कितना आता है, मैं आपको वो भी समझाना चाहूँगा आज। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये जो चार्ट लिया है वो उसको हम इस प्रकार बिछाते हैं। इस तरीके से आपने निशान लगाने हैं, जैसे कि हमारा ये बंद हिस्सा है और इधर ओपन हिस्सा है। जैसे मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, ये बंद हिस्सा होगा और ये हमारा ओपन होगा, डबल फोल्ड करके जैसे नॉर्मल कटिंग की जाती है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की साइड एक निशान लगाना है, ये निशान हमारा शोल्डर वाला होगा। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो ऊपर वाला हमारा नेक है, जैसे फ्रंट का 8 इंच है, बैक का 9 इंच है, इसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगा के बताऊंगा। उसके बाद मैं दूसरे निशान लगा के बताऊंगा। यहाँ पे हम यहाँ पे जो रखेंगे 7 इंच रखेंगे आरमोल और 15 इंच रखेंगे कमर और 22.5 इंच रखेंगे हिप। ये तीन निशान लगा लेते हैं, इन तीनों निशानों को बिल्कुल सीधे कर लेते हैं। अब हमने लगाना है साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। जैसे 44 इंच ब्रेस्ट है तो यहाँ पे हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है, तो 44 में अगर हम 3 इंच जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 44, 45, 46, 47, 47 इंच। 47 इंच का जो चौथाई हिस्सा आएगा हमारा पौने 12 इंच आएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे पौने 12 पे निशान लगाएंगे। आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, 11 चौक 44, 11 इंच पे, फिर पौना इंच बाहर की साइड। इस प्रकार अगर हम पौना इंच को चार जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 इंच आएगा। यहाँ पे हमने पौने 12 इंच पे निशान लगाया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, कमर में भी हम 3 इंच की लूजिंग देंगे, तो यहाँ पे हमारी 40 इंच कमर है। जैसे 40 कमर होगी तो उसमें 3 इंच हम प्लस करेंगे, 43 आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये पौने 11 इंच। 3 इंच लूजिंग देने के बाद हमारा पौने 11 इंच आएगा। हिप में 2 इंच की लूजिंग देता हूँ मैं, यहाँ पे 48 है तो ये आएगा हमारा 12.5 इंच। 12.5 में हमारा यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग के बाद तैयार आ जाता है निशान। अब क्या होता है, कई बार कमेंट करते हैं मेरे जो व्यूअर्स करते हैं कि आप 2 इंच की लूजिंग क्यों करते हो, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नाप के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आप नाप लेना लेते हो उसी तरीके की आपको लूजिंग देनी पड़ेगी। कई लोग क्या करते हैं, ब्रेस्ट में 4 इंच की लूजिंग भी देते हैं, कमर में 4 इंच की लूजिंग देते हैं, हिप में 3 इंच की लूजिंग देते हैं। वो सिर्फ नाप लेने पर डिपेंड करता है। नाप जब लिया जाता है, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर की साइड फिंगर आ जाती है जब नाप लेते हैं, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, जैसे ये गोलाई में हमने नाप लिया है तो यहाँ पे हमारी फिंगर आ जाएंगी इस प्रकार। अब फिंगर कितनी होती है उस पर भी डिपेंड करता है, अंदर की साइड। कई
कई बार दो फिंगर होती हैं, कई बार हम थोड़ा टाइट नाप ले लेते हैं, तो जो मेरा नाप लेने का तरीका है वो प्रॉपर आता है, मेरा इंची टेप जो होगा बिल्कुल शरीर के लगा हुआ आएगा इस तरीके से गोलाई में। मैं नाप लेने की भी एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा जल्दी ही, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी लूजिंग इतनी लूजिंग क्यों देता हूँ। तो नाप लेने का जो सही तरीका है वो बिल्कुल इंची टेप पूरे शरीर से लगा हुआ होना चाहिए और अंदर की साइड हमारी दो फिंगर होनी चाहिए इंची टेप की, ये सही तरीका है। तो इसी तरीके से मैं आगे लूजिंग दे के कटिंग करता हूँ। अब हमने जो ये निशान लगाए हैं इनको एक दूसरे से इस प्रकार मिला लेते हैं। और साइज हैवी जो होता है, जैसे ये 44 साइज हैवी में ही आता है, यहां से हम क्या करेंगे एक निशान लगाएंगे 3 इंच के, और यहां पे हम आधा इंच इस प्रकार बाहर की साइड एक निशान लगा लेते हैं, और यहां से हम हल्की सी इस प्रकार की गोलाई दे लेंगे यहां। अब हमने लगाने हैं शोल्डर के निशान। अब मेन चीज आ जाती है शोल्डर, और शोल्डर की ही सब पूरी फिटिंग में शोल्डर मेन चीज होती है कि शोल्डर हमें कितना रखना है। यहाँ पे जो हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे 13 इंच पे, 6.5 इंच। वैसे मैं आपको बताऊं जो इनका शोल्डर है नाप के अकॉर्डिंग वो 15 इंच है, लेकिन मैंने कम करके लगाया है। यहाँ पे हम लगाएंगे शोल्डर का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 6.5 इंच पे, 13 इंच पे, और नीचे की साइड भी हम यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार। और यहाँ से इस निशान को बिल्कुल सीधा यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमने बिल्कुल सीधा किया है अंदर की साइड, हमें यहाँ से एक निशान और लगाना है तकरीबन आधा इंच का, और यहाँ पे भी हम इस निशान को इस प्रकार लगा लेते हैं, और यहाँ से हम गोलाई देंगे। ये मैं आपको निशान जो हमने अंदर की साइड लगाया है इस निशान को हम 1.25 इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी, वो डिपेंड करता है हमारे साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा अंदर की साइड निशान नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है और यहाँ पे गोलाई देनी है। इस प्रकार से ये हमारी फ्रंट की कंप्लीट गोलाई आ गई है। अब हमने यहाँ पे जिसको कंधी बोलते हैं कंधी डाउन करनी है, ब्रॉड गला हमारा 3 इंच होता है यहाँ पे, और यहाँ से हमें 1.25 इंच की कंधी डाउन करनी है। इस प्रकार अब हमारे ये निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे जो हमने आर्मोल हमारा कितना आता है, ये हमारा आएगा दोस्तों 11.5 इंच, 11.5 इंच यहाँ पे हमारा आर्मोल तैयार आएगा। अब हमने बैक साइड के भी मैं आपको यहीं पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा निशान। बैक साइड में जैसे हमारा बैक का गला 9 इंच है, तो हम यहाँ से 1 इंच लेंगे, यहाँ पे आप 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ नाप के अकॉर्डिंग जो मेरा निशान आएगा एग्जैक्ट 1 इंच आएगा बिल्कुल शोल्डर से सीधे निशान पे। और यहाँ से इस निशान को इस प्रकार मिलाते हुए और यहाँ पे हम गोलाई दे लेते हैं। ये हमारी बैक साइड की जो गोलाई आती है इस प्रकार की बैक साइड की कटिंग आएगी। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। और ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। फ्रंट और बैक की कटिंग में मैं आपको दिखाना चाहूंगा इतना फर्क आता है हमारा ये जो मैंने पीस कटिंग किया हुआ है। दोस्तों ये हमारी जो मैंने कटिंग बताई है आपको बैक गला 9 इंच के हिसाब से बताई है। अब मैं साइज हमारा यही रहेगा,
पैक गलअप जो 5 इंच रखना है उसके हिसाब से इसी साइज में आपको कटिंग बताऊंगा। यहाँ पे मैं इस साइड से आपको दूसरा साइज जो है मैं गले का महत्व बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने आर्मोल वाला निशान लगाना है, पहले लगाया था हमने 7 इंच पे, अब लगाएंगे हम यहाँ पे 7.5 इंच पे। मैंने आधा इंच आर्मोल यहाँ पे बढ़ाया है, बाकी के निशान हमारे सेम रहेंगे। इन निशानों को हम बिल्कुल सीधे इस प्रकार कर लेते हैं। साइज लगाने का दोस्तों हमारा साइज वाला वही तरीका होगा, जैसे यहाँ पे 11x44 1.5 इंच हमने बाहर की साइड लगाया था 3 इंच की लूजिंग देते हुए। कमर में भी ऐसे ही लगाएंगे 10x40 1.5 इंच बाहर का, सेम पहले वाला तरीका होगा। यहाँ तक निशान का यहाँ से 3 इंच पे हमने आधा इंच बाहर की साइड लिया था। अब मेन आ जाता है हमारा शोल्डर का, और सभी निशान कंप्लीट होने के बाद दोस्तों नीचे वाले हमारे ये, यहाँ पे मैं आपको बताना एक बार फिर से, क्योंकि 7.5 इंच पे मैंने आर्मोल का निशान लगाया है और बाकी के निशान हमने इसी तरीके से लगाए थे जिस तरीके से पहले वाले पैटर्न में लगे हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे आधा इंच ये चीज़ बढ़ाई है आर्मोल वाली। अब हमने यहाँ पे 5 इंच के हिसाब से, जैसे बैक गला हमारा 5 इंच है, उसके हिसाब से शोल्डर का निशान लगाना है। तो हमें यहाँ पे शोल्डर का जो निशान लगाएंगे हम 15 इंच हमें तीरा तैयार रखना है, तो यहाँ हम 16.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार से। एक निशान नीचे की साइड भी लगाएंगे 16.25 इंच पे, और अंदर की साइड ये निशान हम यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाएंगे अंदर की साइड। इस निशान को इस प्रकार इस तरीके से लगा लेते हैं और यहाँ पे हम गोलाई देंगे। तीन इंच ब्रॉड रखते हैं गला और यहाँ से हम 1 इंच कंधे डाउन करेंगे। ये हमारे गले के निशान हो गए हैं फ्रंट वाले के। इस प्रकार दोस्तों हमारे ये आर्मोल का फ्रंट साइड का हमारा पूरा कंप्लीट निशान हो गया है। अब हमने बैक साइड का निशान लगाना है, मैं बैक साइड का भी यहीं से आपको दिखाऊंगा। जो हमारा शोल्डर का बिल्कुल सीधा निशान है ये वाला, इस निशान से हम 1.5 इंच बाहर की साइड लेते हैं एक निशान इस प्रकार, क्योंकि बैक का गला छोटा है तो यहाँ पे अलग अलग हमारा नाप आ जाता है, और यहाँ पे हम इस प्रकार की गोलाई दे लेते हैं। ये हमारी बैक साइड की निशान हो गए और ये हमारे फ्रंट के निशान हो गए। इस प्रकार दोस्तों मैंने एक साइज के हिसाब से, साइज हमारा सेम है, सिर्फ गले का महत्व कितना होता है पूरी कटिंग में, इस प्रकार के मैंने आपको ये निशान सारे कंप्लीट करके दिखाए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।